शहंशाह जी के आशीर्वाद से निरंकारी राजमाता जी बाबा गुरुवचन सिंह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर मिशन के प्रचार प्रसार के कार्यों में अपना पूरा सहयोग देने लगी। आपकी नानी माता सोमावंती जी भी कुछ अन्य सेवादारों को साथ लेकर आप भाई बहनों की देखभाल करने लगी। एक बार 4 माह की लंबी कल्याण यात्रा पर जाने से पहले राजमाता जी के मन में विचार आया कि अब हम इतने लंबे समय तक बच्चों से दूर रहेंगे। तब बाबा गुरुवचन सिंह जी ने उनके मन की बात को भांप कर तुरंत कहा, अब ये सिर्फ 5 बच्चे ही आपका परिवार नहीं है, सारी संगत ही आपका परिवार है। आपकी बहन निरंजन जी के अनुसार, यद्यपि अनेक अवसरों पर हम भाई बहन माता पिता से दूर रहे, किंतु बाबा जी और राजमाता जी का जितना भी कीमती समय हमें मिलता वो हमारे लिए बहुत अनमोल और लाभदायक होता। सन 1963 से सन 1969 तक लगभग 6 वर्ष का समय आपके लिए जहां घर से दूर रहकर पटियाला में शिक्षा प्राप्त करने का रहा, वहीं ये समय सांसारिक जीवन की ठोस सच्चाइयों से परिचित होने का भी रहा। दिनांक 11 फरवरी सन 1963 को भोला जी का दाखिला यादविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला में करवाया गया। स्कूल के रजिस्टर में आपका नाम हरदेव सिंह सेठ दर्ज होने के कारण आपके सहपाठी व अध्यापक गण आपको सेठ जी कहकर पुकारते। उन दिनों हरदेव सिंह जी स्कूल के हॉस्टल मोहिंद्रा हाउस में रहा।